आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की रंग बदलती राजनीति से। खबर है नंबर गेम में मात खाने के बाद शरद पवार ने इमोशनल दांव चल दिया है। ये दांव ऐसा है जिसने उनके विरोधी, या कह सकते हैं इस दांव से उनके विरोधी घर बैठे बैठे चित हो सकते हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद राज्य भर में बदले हालात के बीच कौन शरद पवार के साथ है और कौन अजीत पवार के खेमे में, इस चर्चा के बीच शरद पवार ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राज्य भर के दौरे का ऐलान किया था, जिसका श्री गणेश शनिवार को येवला विधानसभा क्षेत्र से करने वाले हैं। येवला विधानसभा क्षेत्र अजीत पवार के गुट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से समझिए। येवला विधानसभा के लिए 1990 से लेकर अब तक कुल 7 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 4 बार छगन भुजबल ने बाजी मारी है। येवला विधानसभा से चारों जीत छगन भुजबल ने एनसीपी के लिए हासिल की है, जिसमें उन्हें शरद पवार का पूरा समर्थन मिला था। लेकिन अब खेल आर पार का है, रण क्षेत्र में छगन भुजबल अजीत पवार के साथ हैं, तो येवला का मैदान मारने में मदद करने वाले शरद पवार उनके ही खिलाफ उनके विधानसभा में ताल ठोकने वाले हैं। कहा जा सकता है कि भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंज करने की शुरुआत अजीत पवार ने की है, लेकिन उनके चाचा शरद पवार अब मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी रेलवे के कर्मचारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बालासोर रेल दुर्घटना में सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने इन्हें आईपीसी की धारा 304/201 के तहत गिरफ्तार किया है, यानी इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में मुकदमा चलेगा। 3 दिन पहले बालासोर रेल हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में रेल कर्मचारी और अधिकारियों की गलती और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई थी। वैसे बालासोर हादसे के बाद रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के कई ऑफिसर्स पर जांच की गाज गिर चुकी है, लेकिन अब सीबीआई की जांच में मानवीय चूक की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बालासोर रेल दुर्घटना भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक थी। इस दुर्घटना में 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।